गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर्स। जो नंबर्स दिए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है। तो ये है 673। तो 6 पहले नंबर है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1, 10, 100। 100 पे आया 6, तो यहाँ पे हो गया 600। नेक्स्ट डिजिट है 7, हमने लिखा 7। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1, 10, 10 पर आया, तो 7 लगा के एक 0। नेक्स्ट है 3, लिखा 3 और प्लेस वैल्यू इसकी 1 होगी, ठीक है, तो एज इट इज़ वो नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है 128, तो पहला नंबर है 1, फर्स्ट डिजिट है हमारी 1, उसकी प्लेस वैल्यू है 100। नेक्स्ट डिजिट है 2, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10 से, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 20 आएगा। उसके बाद है 8, लिखा, वंस है ना, वंस पर होता है, वंस टेंस हंड्रेड ऐसे काउंट करते हैं ना, तो वंस है, तो मतलब 8 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो एज इट इज़ 1, एज इट इज़ 8 आ जाएगा। ओके, ऐसे काउंट करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड, तो ये जो नंबर है इसकी 1 से मल्टीप्लाई होती है, जो 10 पर आया है उसकी होती है 10 से, और जो 100 आया है उसकी 100 से मल्टीप्लिकेशन होती है। क्लियर, इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर टू है राइट नंबर नेम्स लिखने हैं, हो जाएगा। फर्स्ट इज 403, तो 403 कैसे पढ़ा हमने? ये होता है वंस, ये होता है टेंस, और ये होता है हंड्रेड। हंड्रेड पे आया है 4, तो 4 हो गया 100। टेंस पे कुछ नहीं है तो उसको छोड़ो, बाकी बचा 3। क्लियर, इसमें वंस टेंस हंड्रेड, 8 आया 100 पे तो हो जाएगा 800। टेंस पे आया 3 और वंस पे है 9, तो 839। ओके, इन दोनों क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा।